हेलो ऋषिक बंसल, कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए कहाँ तक हुआ था, कोई डाउट उठा तो पूछिए या आगे बढ़ते हैं, बताइए कहाँ यस सर। तक हाँ सर, एक मिनट बताता हूँ। था। सर डीएनपी पे क्वेश्चन किया था लास्ट हमने, आपने वो बता रहे थे पार्शियल, पावर की, नहीं सर हाँ पार्शियल, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में हमने NO2, CN और CHO का ऑर्डर ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट किया था। ओके। तो देखिए, तो हमने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे ज्यादा फुल पॉजिटिव चार्ज का होता है, याद है सबको। उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले का होता है। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में वो आएगा कि एटम कनेक्टेड, ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी। उसके बाद आपको मैंने कहा था नेप्ड वाले का आता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं, याद है सबको। हाँ या ना, जल्दी बताएं। अब आइए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में, याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा NO2, फिर साइनाइड, फिर CHO, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, बोलिए हाँ या ना। इसको अभी मत लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम आपको ये कहें कि अभी मत लिखिएगा ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कैसे आते हैं भाई? अरे क्लास होती रहती है, बिहारी है क्या? आदमी नॉक करके आता है गेट पर। यहाँ देखें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अगर आपके पास COCl है, देखिए आराम से, और आपके पास देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सी पार्ट देखिए इस्टर है। अब इन सब का हम लोग देखेंगे, और आपके पास अमाइड ग्रुप है, इन सब में किसका पावर ज्यादा होगा? तो देखिए कैसे चेक करेंगे, गौर से सुनिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सबको मालूम, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज लेंगे, लेंगे सबको बताइए, सब पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। अब बताइए, मैंने कहा था ना एडजेसेंट पर लोन पे रहे, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताएं। तो यहां तक आप देखिए बैक बॉन्डिंग सब में है कि नहीं, सारे लोग बताइए। पॉजिटिव चार्ज देख ले, आप बैक बॉन्डिंग में सब में है कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखो यहाँ सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, बाकी सब में बैक बॉन्डिंग अच्छी है। तो जानते हो मैंने उस दिन भी बताया था, जब बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो ये सही, तो यहाँ पर ये मोर पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसका मतलब इसमें सबसे पावरफुल ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है COCl। बोलो आया सबको समझ में, जल्दी बताओ यहाँ तक। ये सबसे पावरफुल है ना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अब आओ बीसीडी का मामला, सारे लोग ध्यान दीजिए, बीसीडी का मामला में कौन ज्यादा होगा? आप बताइए लॉजिक। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अरे बोलिए सारे लोग बोलिए, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये सही से देगा, ये थोड़ा नाटक करेगा। अब देखो ए को हटा दो, अब बी सी डी में, अब डी को सबसे पहले देखो, यहाँ तो ऑक्सीजन दोनों में, ये सही एकदम झटाक से दे देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग रिलेटिवली मोर इफेक्टिव। अब मोर इफेक्टिव होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अमाइड हो गया इसमें। हाँ या ना, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आओ बी और सी में देखो, सारे लोग एकदम आसानी से देखो, यहाँ OH है, यहाँ OR है, दोनों में ऑक्सीजन है, तो लॉजिक बताओ कौन का आसानी से होगा, तो कौन जल्दी से देगा? तो देखो इस ऑक्सीजन पर आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि इस OR पर है, जल्दी बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन, किसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी से हो रही है, बोलिए। हेलो एवरीवन, किसमें ऋषिक प्रियदांशी बताइए, और लोग आ गए क्या, नम्रा भी आ गई है, अक्षर सिन्हा भी आ गए, ओके। तो एस्टर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो यहाँ देखो OH है, तो यहाँ मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, मोर इफेक्टिव, देखो मैं रीजन बताऊंगा, मोर इफेक्टिव, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा, या बी और सी में मोर इफेक्टिव बाइंडिंग होगी, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ओ आर है, आर भी इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ एच है, हल्का ग्रुप है, अरे बोलिए कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा खींचाएगा, इसलिए ए के बाद सी होगा और सी के बाद बी होगा। आया समझ में? हाँ या ना। हेलो एवरीवन। सर रीजन बी और सी वाला फिर से बता दो। मैंने कहा कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है ना, दोनों में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, जल्दी बताएं। यस सर। दोनों में सेकंड पीरियड है, जल्दी बोलिए। यस सर। अब इसमें ये देखना है कि OH, देखिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ OH और OR, चलिए आप इधर से बता देता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू 3.5, ऑक्सीजन का 2.1, यहाँ बताओ तो इसमें एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं ऑक्सीजन पर, जब ज्यादा है तो झटाक से अच्छे से बैक बॉन्डिंग शो करेगा एज कम्पेयर टू OR, तो जब इफेक्टिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं? आया? हाँ, तो देखो एक मिनट फिर से सुनो, तुम पहले इसको याद रखो, मेरी बात सुनो, का याद है नोमेनक्लेचर में मैंने पढ़ाया था एसिड डेरिवेटिव्स, याद है कि नहीं? यस सर। देखो एकदम मैं अच्छे से समझा देता हूँ, एसिड डेरिवेटिव्स इसको समझ गया ना, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में कभी तुम्हें डाउट नहीं रहेगा। एसिड डेरिवेटिव्स में कौन कौन आता था देखो, अनहाइड्राइड, सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिड हैलाइड ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ईस्टर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एंड अमाइड ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये चार को याद कर लोगे तो याद रखने का आसान, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे याद रखोगे, तो कंसेप्ट बता दिया, तो बताओ नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी में याद है अनहाइड्राइड ग्रुप था पहले था, तो इसमें तुम ये याद रखो बी, इसका तो सबसे ज्यादा, चूंकि इसमें तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो सबसे ज्यादा बी,
उसके बाद इन तीनों में प्रायोरिटी टेबल के लिहाज से याद रखो, प्रायोरिटी टेबल में भी नोमेनक्लेचर में ए पहले आता था, उसके बाद एसी एमी में एसी पहले आता था, फिर एमी, याद रहेगा सबको? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। एवरीवन ये ट्रिक्स याद रखो, एसी हैलाइड को तो सबसे पहले कह दो कि भाई ये बैक बने, ये मत समझना कि नोमेनक्लेचर वाला मैंने रूल, ये याद रखने के लिए मैंने बताया कि कभी भूल जाओ तो इस तरह याद रखोगे। यस सर। और लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पार्शियल पॉजिटिव, जब भी तुमसे कोई कहे बताओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड हैलाइड है, डिप्टेरोफेरस दोबारा, अमाइड है, यही सब पूछेगा, अमाइड है, अनहाइड्राइड है, अमाइड है, इस्टर है, सबसे पहली बात ये नॉलेज रखो कि भाई ये सब माइनस आई इफेक्ट है। हाँ या ना, जल्दी बताओ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अरे बोलो ना, हाँ या ना, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? सब माइनस आई है। कहेगा पावर बता, तो सबसे पहले आंख बंद करके एसिड क्लोराइड को नंबर दे दो, उसके बाद नोमेनक्लेचर का प्रायोरिटी लगा दो, अनहाइड्राइड, फिर एसी यानी एस्टर, वेरी गुड, और फिर अमाइड, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक, याद रहेगा सबको? हाँ या ना, जल्दी बता दो सारे लोग। यस सर। हाँ, इस तरह देखो, लिख ली के प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑर्गेनिक एकदम अच्छे से आएगी। अब वो देखो, तो मैं तुम्हें ओवरऑल देखो, अब तक जितना पढ़े हो तुम, मैं उसको बता देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में फुल पॉजिटिव चार्ज में, जैसे NR3 प्लस सबसे ज्यादा, फिर NH3, यानी एक दो पॉजिटिव को मैंने ले लिया, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव में NO2, फिर साइनाइड, फिर साइनाइड, समझा कि नहीं? उसके बाद एसिड हैलाइड याद रखो, उसके बाद नहीं पहले तो ये है ना, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप था, और कीटोन, कीटोन के बाद एसिड डेरिवेटिव्स रहेगा, COCl एंड क्या कहते हैं, क्या था, एस्टर, एस्टर, हाँ नहीं, अनहाइड्राइड पहले, हाँ सॉरी, अनहाइड्राइड रहेगा, तो वो सब कुछ है, ये सब है, अनहाइड्राइड रहेगा, फिर आपके पास क्या रहेगा बोलिए, एस्टर रहेगा, फिर आपके पास बताइए, हाँ अमाइड रहेगा, फिर बताइए कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, उसके बाद नेक्ड वाला आया था, नेक्ड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आपको ग्रुप वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, OH, फिर NH2, फिर S करेक्टर, CCH5, फिनाइल ग्रुप, नहीं नहीं फिनाइल ग्रुप से ज्यादा S करेक्टर किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में, CH, तो अपने आप देखो, आप तुम पढ़ोगे तो तुम्हें डायरेक्ट याद हो गया, फिर SP2 हाइब्रिड, CCH5, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, देखो पूरा याद हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, हेलो एवरीवन, बोलो बोलो। अरे यार, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की लिस्ट हुई, पहले तो ये लिख लो, सारे लोग लिखो, चले इसको, एक बार आप इससे पहले वाले दिखा सकते हैं, पहले यहीं से लिखिए, पहले यहीं से लिखिए, मैं बताता हूँ, पहले यहीं से लिखिए आप, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। ये लिख लिया, हेलो एवरीवन, ये अरीबा कौन है? नम्रा है? नम्रा। अच्छा नम्रा है, अच्छा वो अरीबा की बहन, ओके गुड, उनके मोबाइल से ज्वाइन की हुई आप? सर लैपटॉप से, उनका लैपटॉप, अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं, चलिए लिख लिया सारे लोग। Yes, sir.
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप याद हो गया कि नहीं बगैर ट्रिक से? एकदम बहुत अच्छा ट्रिक बता दिया, अब वो तो याद रखिएगा फुल पॉजिटिव। बाकी मेन स्टूडेंट को परेशानी इसी में होती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाकी में तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में कोई नहीं है। हाँ, इसमें भी स्टूडेंट बोल देते हैं फ्लोरीन और OH में, तो भाई का ये नेक्ड वाला पहले रहेगा क्योंकि ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है ग्रुप की वजह से। सुना सारे लोग? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब आइए जो मैं आपको समझा रहा था कहां से, देखिए ये तो मैं लिखा ही चुका था। हाँ, ये तो आप लिख लीजिए, ऐसे तो मैं लिख चुका हूँ, ये भी लिख लीजिए आप। रीजन के साथ समझाया हूँ, अब आपको रीजन याद रहे तो ठीक, वरना आप जो ट्रिक्स दिया उसके बेसिस पर याद कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। लिख लिया? यस सर। ये सब तो मैं लिखा ही चुका हूँ, चलिए आगे बढ़ें। सर वही नहीं लिखा था, वो तो लिख चुके हैं ना, वो तो मैं उसमें लिखा चुका हूँ ना, आपको मेन ऑर्डर में लिखा चुका हूँ ना, वो तो मैं प्रैक्टिस, yes, वो तो मैं रफ में प्रैक्टिस करा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ चलिए, तो ये माइनस आई इफेक्ट सब पढ़ लिया। अच्छा, इसमें भी वो मैंने आपको बता दिया है माइनस आई इफेक्ट के लिए कौन सा रूल लगाइएगा, डीएनपी रूल, याद है ना सबको? हेलो, डी मींस क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। एन क्या है? नंबर। अब पी क्या है? पावर। रूल फॉर माइनस आई इफेक्ट, समझा? अगर एग्जामिनर कोई पूछ दे, ऐसे मैं बता चुका हूं कि आप भूल जाए ना, भूलें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ज्यादा है कि फ्लोरीन, लिखना नहीं, सब लिख चुके हैं, तो NO2 ज्यादा है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए NO2 और CF3, तो आप देखिए डिस्टेंस के बाद नंबर को नंबर देंगे, अब CF3 ज्यादा है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? ये पढ़ा चुका हूं मैं, एकदम कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये आपके कंसेप्ट को बहुत क्लियर करेगा। जो है कि नहीं, जो अभी ये सब ऑर्डर लिखा है ना, ये सिंगल का है, लेकिन यही अगर बहुत सारे एफ आ जाएंगे तो डीएनपी रूल के नंबर ज्यादा इसका लगेगा। खैर, अब आइए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्लस आई और माइनस आई का एप्लीकेशन, आप कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारे लोग ध्यान दें। टॉपिक डालिए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम सब लोगों ने पढ़ा है ना, हम लोगों ने, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। एसिडिक करैक्टर में दो बातें हैं, मैं बता देता हूं कि एसिडिक करैक्टर किन बातों पर डिपेंड करता है अब तक। अब देखिए कंक्लूड कर रहा हूं,
मेन फैक्टर क्या होता है, सारा आंसर वहीं से आता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा को बताता है। तो अब हम लोग तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को याद नहीं रख सकते, इसलिए कहा गया दूसरा कंसेप्ट स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। याद है कंजुगेट बेस? अब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस यही आपको बहुत काम देगा। अब हर में कंजुगेट बेस बनाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको याद रखना है। मेन ऊपर का दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे मिसाल के तौर पर एक को डिटेल में समझिए, बाकी हम लोग धाय धाय आंसर करेंगे। एक डिटेल में ये है कि अगर आपसे कोई कहे ये मिथेनोइक एसिड है और आपको कोई कहे ये एथेनोइक एसिड है, दोनों एसिडिक है, मोर एसिडिक कौन है? मान लीजिए आप कुछ नहीं जानते हैं, तो आप क्या कीजिए, आयनिक इक्विलिब्रियम के मुताबिक अब इसका कंजुगेट बेस बनाइए। तो यहाँ कंजुगेट बेस बना H प्लस हटाने के बाद, ठीक है भाई? तो यहाँ भी H प्लस हटाइए और CH3CO-। तो हमें कंजुगेट बेस स्टेबल देखना, रेजोनेंस यहाँ भी है, A डबल बॉन्ड भी, C पर नेगेटिव, यहाँ भी रेजोनेंस है। लेकिन गौर से सुनिए, यहाँ CH3+ है, इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। केमिस्ट्री कहता है, आप नहीं पढ़ा, चार्ज बढ़ता उस दिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो स्टेबिलिटी घटता है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या यस सर। तो कंजुगेट बेस ये भी है, तो ये वाला कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है, इसीलिए ये मिथेनोइक एसिड ज्यादा एसिडिक करेक्टर हुआ इथेनोइक एसिड से। पहले बताइए कंजुगेट बेस के बेसिस पर आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। तो अब इतना करने में टाइम लगेगा, अब डायरेक्ट आंसर कर दें। डायरेक्ट आंसर कैसे करें, जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिक करेक्टर कहे तो देखो उसके रेस्पेक्ट में देख लो, इसके रेस्पेक्ट में ये प्लस आई है और अभी आपने पढ़ा प्लस आई के इनवर्सली, इसलिए ये लेस एसिडिक, ये मोर एसिडिक, इतना बनाने का टाइम आपका बच जाएगा। लेकिन हर चीज को लॉजिक के साथ भी याद रखिए, क्यों बुक लिखता है प्लस आई एसिडिक करेक्टर को कम करता है, उसका रीजन सुन लीजिए, क्योंकि वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। असल आंसर यहां से आया, क्योंकि अब इतना करने में टाइम लगता है, लेकिन बहुत सारे अच्छे आंसर, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन का आंसर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से ही आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, अब देखिए, जैसे तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हैं देखने के लिए, लिखिए इसको। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, समझ जाइए, ये भी याद रख लीजिएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। कोई याद रखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब हुआ कि एसिडिक करेक्टर कम है, तो दूसरी मीनिंग खुद याद रखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। हाँ, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। अब हम लोग सब में कंजुगेट बेस बना के आंसर नहीं देंगे, डायरेक्ट प्लस आई और माइनस आई को देखेंगे। प्लस आई है तो एसिडिक करेक्टर को कम करेगा,
माइनस आई है तो इसे भी करेक्टर को बढ़ाएगा। ये मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपको लगे कि सारा आंसर कंजुगेट बेस से आता है, लेकिन कंजुगेट बेस बनाने में टाइम लगता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर प्लस आई माइनस आई को दिख कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन का आंसर कहीं पर एकाध जगह पे कहीं गलत हो जाता है, तो हम उसको स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से ही एक्सप्लेन करते हैं। हाँ लिख लिया, ये रिटर्न सर। यस सर, गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहिए आप। हाँ ये लिख लिया, यस सर रिटर्न। तो देखिए जैसे कहा तो यहाँ आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप प्लस आई होता है,
यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी प्लस आई है, ये सब प्लस आई है, तो प्लस आई एसिडिक करेक्टर को कम करता है, लेकिन आपको मालूम है ये टर्शरी अल्काइल है तो इसका प्लस आई ज्यादा, जो जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना एसिडिक करेक्टर कम होगा, तो ए के बाद बी फिर सी फिर डी, आया समझ में। एसिडिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, जो जितना ये चूंकि टर्शरी अल्काइल है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है। बताइए किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। नो सर, नो डाउट। हाँ किसी और को डाउट है भाई पूछिए ना प्लीज। नो सर क्लियर। नीचे देखिए, जब भी क्वेश्चन आए तो पहले चेक कर लीजिए, ये प्लस आई है, यहाँ पर क्लोरीन आने की वजह से माइनस आई है, यहाँ क्लोरीन है माइनस आई है, यहाँ क्लोरीन है माइनस है, ज्यादा माइनस आई है, माइनस आई एसिडिक करेक्टर को बढ़ाता है, तो डी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, फिर सी फिर बी फिर ए। सच सच बताइए आ रहा समझ में? यस सर। हाँ आंसर तैयार है सबका?
बताइए एग्जांपल थ्री में बताइए मोर एसिडिक कौन है, देख लीजिए सर ए सबसे ज्यादा है, जब सब में माइनस आई है तो ए पावर को देखेंगे, ए सबसे ज्यादा, उसके बाद सी एन बी सी फिर डी, ए के बाद बी है भाई, साइनाइड ज्यादा पावरफुल है ना, सर सी डी, हाँ फिर सी डी, आया सबको समझ में, हेलो एवरीवन। चलिए इसमें बताइए यहाँ यहाँ टू पर माइनस आई है, यहाँ वन टू थ्री पर है, तो मैंने अभी कहा था ना डीएनपी रूल, डिस्टेंस मोर डोमिनेंट फैक्टर, ये नजदीक है ज्यादा माइनस आई है, फिर बी फिर ए, आया समझ में, हेलो एवरीवन। यस सर। अरे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सर, ये थर्ड वाला समझ नहीं आया, क्या नहीं आया थर्ड वाला बताइए। अरे यार ये नजदीक है ना, डीएनपी नहीं बताया था, जो क्वेश्चन भी करा चुका हूं, इसका माने साई इफेक्ट ज्यादा होगा, बोलो गुण बिहारी, ये वन पर है, ये वन टू, ये वन पर है ना माने साई, ये दूर है ना, दूर है तो फिर डिस्टेंस डोमिनेंट फैक्टर, डिस्टेंस बढ़ने से माने साई या प्लस साई कम हो जाता है, कितनी दफा पढ़ाया भाई पिछली क्लास से, ये सेकंड पर है या थर्ड पर है माने साई, सेकंड का माने साई ज्यादा होगा तो मोर एसिडिक होगा कि नहीं। जी सर क्वेश्चन करा चुका हूँ, पढ़ के नहीं आओगे तो यही सब डाउट होगा भाई, ऑर्गेनिक में ये सब पढ़ा, पिछला क्वेश्चन होगा देखो एफ वाला होगा, एफ वाला मैंने कराया था, समझा, जैसे अगर यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ देखो सी एस टू है और यहाँ फ्लोरीन है, तो ये वन है, यहाँ वन और टू, अब यहाँ क्लोरीन ही का माइनस आई एफ ज्यादा होगा, डिस्टेंस डोमिनेंट फैक्टर होता है, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताएं सबको समझ में आया। इसमें एसिडिक करैक्टर ढूंढिए, तर वो नेगेटिव साइन है, नहीं नहीं सर, इसका बी ए सी है, वेरी गुड, वाई बी बताइए, वेरी गुड सर, बी क्योंकि सर एक तो सर डीएनपी से हम देखेंगे तो डिस्टेंस पे भी कम है, और एसिडिक कौन है, बी सर, बी बी क्यों होगा
यहाँ वन ही पर है भाई तुमको। अच्छा सर मैंने उल्टे से कर दिया। तुम बिहारी हो यहाँ भाई, वन टू थ्री। सर तो एसी भी होगा। एसी भी होगा, हाँ ए फिर सी फिर बी। आया सबको समझ में? डिस्टेंस विंस ओवर द पावर डीएनपी रूल के मुताबिक। अरे बोलो ना। यस। हाँ ये तब जब तक दिमाग में नहीं होगा आप सारा कोई सब क्वेश्चन उसी तरह से करा रहा हूँ। यहाँ देखो सब वन वन सब टू पोजीशन पर था, इसलिए ये सब ध्यान दो। वन टू सब पोजीशन से मैं पावर को देख लिया, अब यहाँ डिस्टेंस अलग अलग है, तो इसलिए डीएनपी रूल याद रखो, डिस्टेंस प्लस आई माइनस आई दोनों के लिए बहुत ही काम करता है, इफेक्टिव फैक्टर है ये। आगे बढ़े जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए आराम से इसका आंसर दीजिए। बी ए सी सर, ए बी सी होगा। हाँ नंबर आप क्या बताएं जल्दी बताइए। सर बी ए सी। बी, वाई बी मोर एसिडिक, वेरी गुड। वाई बोलिए ना, why B more acidic? हाँ बोलिए बोलिए क्या है? सर NO2 था इसलिए। NO2 है तो क्या हो गया, पावर है क्या, क्या है? NO2 है तो इसलिए NO2 का पावर ज्यादा है ना। यस सर पावर ज्यादा। तो मैंने नहीं पता DNB DNP नंबर, यहाँ देखिए अभी नहीं बताया था, अभी जस्ट बताया था कि NO2 और फ्लोरीन में मुकाबला NO2 ज्यादा पावर है, लेकिन अगर NO2 और CF2 में मुकाबला हो तो CF2 ज्यादा है। ये भी सेकंड पोजीशन पर है, मैंने उस वक्त से मैं समझा रहा हूँ DNP DNP मतलब पावर की बात थर्ड नंबर पे है, जब यहाँ डिस्टेंस सेम है तो नंबर, यहाँ नंबर ज्यादा है, दो का माइनस आई इफेक्ट सिंगल माइनस आई से ज्यादा है, डिस्टेंस सेम है तो यहाँ नंबर ज्यादा है, तो ए फिर बी फिर सी। अब यहाँ पर दो है लेकिन डिस्टेंस डोमिनेंट फैक्टर। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। फिर उस वक्त से समझा समझा के थक गया मैं, क्या क्या करेंगे ये लोग भाई। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया, जल्दी बताइए। यस सर। प्रिया डांशी सबको समझ में आ रहा है? दिव्यांशु। यस सर। पावर तभी देखेंगे जब सेम पोजीशन हो, इसलिए सब याद रखिए कि भाई यहाँ पर ये है। अब इसका सोच के जवाब दीजिए आराम से।
ओके वेरी गुड. यहाँ देखिए ये sp है तो माइनस आई है, ये भी sp2 है तो माइनस आई है, s करेक्टर बढ़ता है तो माइनस आई है, तो प्लस आई है. दिस इज द करेक्ट आंसर सी बी ए. सबको समझ में आया? यस सर. यस सर. यस. कोई डाउट तो नहीं है ना? जल्दी बताएं. हेलो एवरीवन. नहीं सर. अच्छा अब देखिए माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा. यहाँ बेसिक करेक्टर पूछा जा रहा है. बेसिक करेक्टर का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई. मतलब ये रूल याद रखिए, कहीं पर भी कोई भी फैक्टर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा. चलिए आराम से इसका आंसर दीजिए आप. हो गया? कोई आंसर ही नहीं दे रहे हैं भाई, बताओ ना भाई कौन मोर बेसिक है. बी. हाँ देखिए अरीबा ही बेचारी बता रही. बी सी ए दिस इज करेक्ट आंसर. चूंकि इसमें प्लस आई देखो वन पर है, बहुत ज्यादा टर्शरी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ वन पर दो ही है, यहाँ वन पर एक ही है. समझा कि नहीं? तो मोर प्लस आई. अरे बोलो सारे लोग को समझ में आ रहा है? हेलो एवरी वन. यस सर. आंसर आप लोग देते नहीं है भाई, गलत बात है. चलिए अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा. अभी जस्ट basic strength.
देखिए आपको देखना है प्लस आई है तो यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ माइनस आई है, यहाँ भी तो माइनस, यहाँ तगड़ा माइनस आई है, समझा कि नहीं है, पोजीशन वही सेम सेकंड पर ही है माइनस आई, तो द ए उसके बाद बी फिर सी, समझा कि नहीं। ये है एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। ये अरीबा क्या बता रही थी भाई? अच्छा नहीं बताई थी, ये बेसिक का बताना था ना सर। हाँ तो बेसिक करेक्टर ऑर्डर सबको समझ में आया। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए तो ये प्लस आई माइनस आई के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। अब आइए के रेजोनेंस अफेक्ट। Which is also called mesomeric effect. हम लोग main topic पर रहे थे electron displacement. Inductive effect का main reason था electronegativity difference. Resonance effect से मतलब ही है कि resonance की वजह से जो electron का displacement होगा. Resonance क्या है ये पढ़ चुके हैं आप मेरे साथ साथ। लिखिए the polarity produced in a molecule due to resonance. The main cause of resonance effect is resonance. It's called resonance effect कहिए या mesomeric effect कहिए। ये भी दो तरह का होगा, plus and minus है। जल्दी लिखिए जो मैं आपको सिखाता हूँ। Written. Everyone written. अब आइए अच्छे से यहां देखिए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस अफेक्ट में, और से सुनिए लिखिएगा नहीं। ये भी दो प्रकार का होता है, प्लस आर बोलिए या प्लस एम अफेक्ट बोलिए, और माइनस आर बोलिए या माइनस एम अफेक्ट बोलिए। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। अब आइए ये जल्दी से लिखिए, दो मिनट एक मिनट के अंदर जल्दी से फटाफट। Certain. टॉपिक डालिएगा प्लस एम अफेक्ट। देखिए प्लस एम अफेक्ट क्या होता है, गौर से सुनिए, डायरेक्ट पहले समझिए केमिस्ट्री। प्लस आई क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो केमिस्ट्री में तीन याद रखिए, प्लस आई हो, प्लस एम हो, प्लस एच हो। जिसमें भी प्लस हो, प्लस का मतलब तीनों का मतलब एक ही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तरीका अलग अलग होगा लेकिन तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या प्लस एम क्या? इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन में भी याद पढ़िएगा भी प्लस एच। माइनस आई माइनस एम, तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं ऑर्गेनेल में, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही तरीका, तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना।
छह अफेक्ट जिसने पढ़ लिया पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जीओसी मजबूत हो जाएगी। कार्बोकेटाइन में कोई टाइम नहीं गया, कार्बोकेटाइन अभी पढ़िएगा भी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी प्लस आई माइनस आई प्लस एन। अब जब स्टूडेंट को ये छह अफेक्ट ही नहीं आएगा तो ना कार्बोकेटाइन ना कार्बनाइन ना फ्री रेडिकल ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट यानी जो भी आगे की चीजें वो सब नहीं आएंगी। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर सब ये छह अफेक्ट पर डिपेंड करता है, तो कोई भूलने वाला का सवाल ही नहीं है। तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप याद रहेगा सबको, हाँ या ना, तरीका अलग अलग रहेगा। अरे बोलो ना, माइनस आई माइनस एन माइनस एस, तीनों का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाना, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना, तीनों का काम यही है। हेलो एवरीवन, याद रहेगा सबको, क्लियर है? हेलो अब आइए कि सर हम कैसे पहचानेंगे प्लस एन, सब हम आपको सिखाएंगे। तो पहले इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट, देखिए अच्छे से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट आगे का लाइन थ्रू रेजोनेंस, जो रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन दे। हेलो, समझ में आ रहा है ना? इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। बस एक एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए, फिर उसके बेसिस पर मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, सारे लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, देखिए रेजोनेंस का मतलब रेजोनेंस की कंडीशन आनी चाहिए। अब देखो यहां ये OH है, सारे लोग देखो कि ये टर्म पर लोन पेयर है, बताओ ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर है, बताओ ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, बेंजीन रिंग को दे रहा है ना? हेलो, तो ये प्लस एम अफेक्ट हो गया। ये अजीब विडंबना है कि देखो, अच्छे से देखिए, OH है क्या, यहाँ रेजोनेंस कुछ नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर ये माइनस आई का आएगा। लेकिन अगर अब देखो यहाँ रेजोनेंस है डबल बॉन्ड भी, अब देखो ये प्लस एम का आएगा। ओह माय गॉड, तो कोई कहे केमिस्ट्री में OH में कौन कौन सा अफेक्ट है, माइनस आई भी होगा और की एटम पर लोन पेयर है तो प्लस एम भी होगा। प्लस एन क्यों होगा? जब रेजोनेंस के थ्रू कनेक्टेड होगा तो प्लस एन होगा। दिस इज द पहचान। आप कोई भी केमिस्ट्री में पूछो OH में कौन सा अफेक्ट है, तो आप कहिए तुम कौन सा अफेक्ट पूछ रहे हो, इंडक्टिव अफेक्ट पूछ रहे हो, तो माइनस आई होगा चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इसमें की एटम पर, अभी मैं पढ़ाऊंगा भी, अगर कोई कंजुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है, की एटम पर लोन पर या नेगेटिव चार्ज है, दिस इज द पहचान ऑफ प्लस एन। कोई रटना नहीं एग्जाम्पल को, NH2 प्लस एन होगा, की एटम पर लोन पर O- प्लस एन अफेक्ट। O- केमिस्ट्री में प्लस आई भी होता है प्लस एम भी होता है। हाय, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन यस सर। देखिए तो याद रखने का तरीका है कि कोई भी केमिस्ट्री में पूछो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बताओ कौन कौन होता है, तो कहिए प्लस आई भी होता है प्लस एम भी होता है प्लस एच भी होता है। अब पढ़िएगा भी आगे, सभी करेक्टर प्लस आई प्लस एम माइनस आई माइनस एम, कौन ऐसा ग्रुप है जो दोनों, उसको रटेंगे थोड़ी ना, माइनस आई एक ऐसा भी होता है माइनस आई प्लस एम, समझा कि नहीं? अरे यार कोई बोलो ना, माइनस आई माइनस एच प्लस आई प्लस एच, सब आप सीखेंगे आप अभी, सबकी इंडिविजुअली पहले डिफिनेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये यहाँ आ गया है, रेजोनेंस पढ़ ही चुके हैं आप, तो देखिए OH जो है यहाँ पर प्लस एम है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया थ्रू रेजोनेंस। डिड यू, जब रेजोनेंस नहीं होता तो ये माइनस आई कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। ये यहाँ तो देखिए आपको ऑर्गेनिक में, मैं यहीं पर लिखवाऊंगा, बाकी आगे गौर से सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी आएंगी, पहले यहां तक लिखिए आप।
लिख लिया। हेलो एवरीवन, यस सर, यस सर। अब सुनिए, गौर से सुनिए, व्हाट इज द पहचान ऑफ प्लस एन इफ की एटम। सुनिए अच्छे से, की एटम का मतलब होता है मेन एटम, इज कनेक्टेड टू कंजुगेटेड सिस्टम। कनेक्टेड टू मतलब रेजोनेंस शो कर रहा है, कंजुगेटेड टू, कनेक्टेड टू कंजुगेटेड सिस्टम। यस सर, छोड़ो इतना। इफ की एटम, इतना क्या लिखना, शॉर्ट फॉर्म में, इफ द की एटम कंटेन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, कनेक्टेड टू कंजुगेटेड सिस्टम। मैं इसलिए लिख रहा हूं, कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब रेजोनेंस, देन इट शोस प्लस एम इफेक्ट। याद रखो, जहां भी रेजोनेंस होगा शोस प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। मैं अभी कोई एग्जांपल नहीं कराऊंगा, बाद में मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा। सुना सारे लोग, हेलो एवरीवन। तो याद रखिए, जनरल फार्मूला यही है। देखिए जनरल फार्मूला, कि अगर आप कंजुगेटेड सिस्टम ओपन चेन हो, क्लोज चेन हो, से मतलब नहीं है। अगर यहां पर लोन पेयर या नेगेटिव है तो ए डबल, अब ये रेजोनेंस हो गया तो अब ये जो ग्रुप है वो प्लस एम इफेक्ट कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हां, जैसे अगर आपके पास यहां CH3 CH2 है, OH है, तो कोई क्या OH का इफेक्ट, तो यहां पर कोई क्या कहते हैं रेजोनेंस नहीं है, तो इसका आप माइनस आई लेंगे। लेकिन यही अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड C OH रहेगा, तो देखिए ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ओह माय गॉड, तो ये प्लस एम कहलाएगा। इसलिए कहा जाता है OH में माइनस आई और प्लस एम दोनों, बट प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। क्यों? अभी आप पढ़िएगा, रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? ये बुक तो लिखे हुआ, नहीं नहीं रट्टू मल की तरह नहीं रही है। देखिए रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। और इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर। रेजोनेंस में कंप्लीट पाई का ट्रांसफर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा का इन्वॉल्वमेंट वो पार्शियली होता है। इसलिए केमिस्ट्री में याद रखिए, रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ओहो, डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। हाँ, एक केस को छोड़कर, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं। ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, यहां देखिए माइनस आई 10 रुपया ले रहा है तो प्लस एम 12 रुपया दे रहा है, तो नेट प्लस 2 का फायदा हो रहा है। अगर माइनस आई प्लस एम है तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसलिए याद रखिए, रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। एक केस को छोड़कर, वो बाद में आएगा। तो याद रखेंगे, व्हाट इज द पहचान ऑफ प्लस एम इफेक्ट। तो याद रखिए, द की एटम कंटेन्स लोन पेयर, याद रखने का तरीका, कोई एटम पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो तो वो प्लस एम, सतर्क रहेंगे। ये इसको दूसरे फॉर्म में मत रख लीजिएगा कि जहां लोन पेयर होगा तो आप प्लस एम कह देंगे। रीजन है, चूंकि नाम ही से साबित है, प्लस एम का मतलब रेजोनेंस होना चाहिए। अगर रेजोनेंस है और की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस एम या प्लस आर कहलाएगा। Did you understand? Yes, sir. बताइए, एक ही आवाज आई, किसी को अच्छे से नहीं समझ में आया? Oh my God. Sir, आ गया. Thank you very much. लिख लिया सर। सर मेरा एक लास्ट कराया गया था।
written sir. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए. लिख लिया. यस सर. गुड. अब देखिए मैं ये कह रहा था कि देखिए डू टू प्लस एम अफेक्ट और से सुनिएगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑल पोजीशन ऑफ बेंजीन but more at ortho and para position. Electron density हर position पर थी, ज़्यादा ortho and para position पर बढ़ती. जैसे मिसाल के तौर पर लिखेंगे यहाँ देखिए, आपको मालूम है ना ortho para कौन होता है. यहाँ देखिए ये जो adjacent position मैंने बताया था chemical bond में, शायद ये ortho है. hydrogen bond जब पढ़ाया था तो ये meta होता है और ये para होता है. हाँ याना जल्दी बताइए सारे लोग. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Ortho दो पोजीशन होता है, मेटा दो पोजीशन. तो देखिए ortho पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है. ये एरो का साइन ही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है हर पोजीशन पर. लेकिन नेगेटिव चार्ज ortho पैरा पर आने का मतलब है यहाँ ज्यादा बढ़ रही है. ortho पर भी बढ़ रही है, मेटा पर भी बढ़ रही है, ortho पर पैरा सब पे बढ़ रही है, लेकिन मेटा पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं आया. तो ज्यादा कहां बढ़ रही है, ortho एंड पैरा. सुना सारे लोग? हेलो. यस सर. इसीलिए याद रखिए हाइड्रोकार्बन में, इस पे मैं इसलिए दो मिक्स करके पढ़ा रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन भी आए. ड्यू टू विच इट इज ortho पैरा डायरेक्टिंग. अब एक नया सेंटेंस पढ़ रहा है आप, ortho पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोफिलिक, अभी दो मिनट रुक जाइएगा. इलेक्ट्रोफिलिक ये इतना काम देगा कि मैं क्या बताऊं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखिए, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे पढ़िएगा. इलेक्ट्रोफाइल अभी शॉर्ट फॉर्म में समझिए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब गरीब आदमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है. याद रखिए, मान लीजिए ये कोई रिएक्शन हो रहा है, गौर से सुने अच्छे से. ये बेंजीन है, वाई पर, वाई जो है आपके पास लोन पेयर है, ये प्लस एम अफेक्ट शो कर रहा है और इसका इलेक्ट्रोफिलिक के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेगा, यही हाइड्रोकार्बन आप करेंगे. अब इसको कोई रटेगा? नो, आपको जीओसी आनी चाहिए. कोई कहे क्यों दो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को लगेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और यहाँ ज्यादा है, तो जहां ज्यादा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. तो इसको कहते हैं ortho para directing. तो कोई कहे व्हाट इज द पहचान ऑफ ortho para directing, जो प्लस एम अफेक्ट शो करे. व्हाट इज द पहचान ऑफ प्लस एम अफेक्ट, कि एटम पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो. व्हाट इज द पहचान ऑफ ortho para, कि एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो. डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो. यस सर. यस सर. और लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन. यही है कि एटम पर लोन पेयर प्लस एम, तो मैं क्या बताऊं आपको. तो इसलिए कहें ड्यू टू प्लस एम अफेक्ट डेंसिटी इन ग्राउंड पोजीशन बट ortho para ड्यू टू व्हिच इट इज ortho para डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. पर ये सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन.
ये लिख लिया आप लोगों ने, कुछ तो बोलिए कुछ तो बोलिए कुछ तो बोलिए। और बताइए पढ़ाई सर। हाँ चलिए, इस ब्लॉग भी ब्लॉग तो ही गया है, चलिए ऑर्गेनिक तो अच्छे से पढ़ लीजिए। जिनको आगे पढ़ना है तो वीडियो लेक्चर भी देखते रहिए, आगे वाला लेक्चर भी है अवेलेबल है लर्निंग व्यू में। सुना सारे लोग, हेलो दिव्यांशु प्रिया सी, हाँ अपना देख देख के पढ़ते रहिए। हाँ तो ऋषि बंसल आपका एग्जाम कब है सर? मेरा 21 को है केमिस्ट्री का ईयर। 21 फेब को? हाँ सर। ठीक है तो हाइड्रोकार्बन तो पढ़ ही लिया होगा ना आपने? नहीं है तो हाइड्रोकार्बन तो मेरा UT2 में भी आया था तो तैयार है मेरा। हाँ ठीक है, तो आपका तो पूरा हो ही गया सेकंड टर्म, तो पूरा तैयार ही हो गया आपका। हाँ सर, इन सेकंड टर्म में आ भी नहीं रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जो लोग हैं आगे का पढ़ते रहे भाई। सर वहां से बोलिएगा, कुछ भी नहीं वहां से। रिटेन सर लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। हाँ नेक्स्ट क्लास, चलिए आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगी। ओके बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.